टीवी एक्टर अली गोनी ने हाल ही में पॉडकास्ट में अपने करियर को लेकर अपनी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई पहलुओं पर बात की। इसी दौरान अली गोनी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अली ने कहा कि वो इस ट्रोलिंग पर ध्यान नहीं देते और बिना डरे अपनी बात रखना जानते हैं। इसी दौरान अली गोनी ने अपने और जैस्मिन के रिलेशनशिप पर भी बात की। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में अली गोनी ने बताया कि रिलेशनशिप पर बात करता हूँ। उन्होंने बताया कि जैस्मिन और उनके परिवार के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड है। अली ने कहा कि उनके घर में हर कोई जैस्मिन को पसंद करता है। अली ने यह भी कहा कि जैस्मिन बहुत अच्छी हैं और जितना वो मेरे लिए करती हैं मैं शायद उसके लिए उतना नहीं कर पाता। इसी दौरान अली ने अपने सोशल मीडिया पर इसके बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरी स्टोरी भी आप जो सच जानते हैं, मेरी सोशल मीडिया भी आप देखोगे तो कोई फेक नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ, जो रियल में है वही डालता हूँ। 3 गाली भी देता हूँ मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपको अच्छा लगता है मेरी गाली सुनना तो सुनो, नहीं लगता तो अनफॉलो कर दो। मैं नकली इंसान नहीं हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया वाली जनरेशन से नहीं है। अली ने कहा कि वह ऐसे इंसान नहीं है कि फॉलोअर्स को जो सुनना है वही बोलेंगे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और बोले, मेरे ट्विटर आप देखोगे तो मेरे ट्विटर पर 1,00,000 गालियाँ होंगी। मेरे ट्विटर पर बहुत गालियाँ होती हैं मेरी राय पर, क्योंकि मैं गलत चीज़ें नहीं लिखता। मैं किसी से नहीं डरता और मुझे डर नहीं लगता। मैं किसी के फैंडम से भी नहीं डरता और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अली ने कहा कि सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है और रियलिटी क्या है दुनिया वो नहीं जानती। उन्होंने कहा कि वो इंसान है और 1,000 लोगों के बेखौफ खड़े हो सकते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। इसके बाद अली ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी मैं मुस्लिम का कुछ हो गया, मैंने उसके बारे में लिख दिया और नीचे आ जाएंगे कमेंट्स कि पाकिस्तान चले जाओ, तू काफिर है, तू देशद्रोही है, तुम्हें रखा क्यों है और तुम कश्मीरी हो। अली ने कहा कि उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियाँ मिलती हैं, माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन सब नकली प्रोफाइल्स हैं। अली ने कहा कि जब आप बिग बॉस कर रहे हो और कोई रियलिटी शो कर रहे हो तब गालियाँ पड़ती ही हैं, लेकिन अब उस चीज़ को बहुत वक्त हो गया। मुझे अभी भी मेरी राय पर गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन मैंने अपनी राय नहीं बदली। अली ने कहा कि अगर हिंदू या सिख धर्म के कुछ हुआ और उन्होंने कुछ पोस्ट किया तो मुसलमान उन्हें गाली देने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये गाली देने वाले लोग हैं इनका कोई वजूद नहीं होता। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।